हैंडओवर कर दिया है। इंदिरा बिश्नोई को जयपुर एटीएस ने मध्य प्रदेश के देवास जिला मुख्यालय से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर स्थित एक कस्बे से पकड़ा है। देवास एसपी अंशुमान सिंह ने इंदिरा की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि राजस्थान एटीएस की स्थानीय पुलिस ने भी मदद की है। इंदिरा राजस्थान से 50 साल पहले पलायन कर गए एक परिवार के पास रह रही थी। उदयपुर एटीएस को करीब एक महीने पहले ही खबर थी। जयपुर एटीएस की टीम इंदिरा की गिरफ्तारी के बाद उसे जोधपुर लेकर पहुंची है। कुछ ही देर में इंदिरा को जोधपुर सीबीआई को सौंप दिया जा चुका है। आपको बताते चलें कि 2012 में सीबीआई कोर्ट ने इंदिरा को भगोड़ा घोषित किया था। सीबीआई ने इंदिरा पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इंदिरा भवरी हत्याकांड के आरोपी मलखान सिंह की बहन है और खुद भी इस मामले की साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, अब से कुछ देर पहले ही इंदिरा को सौंप दिया गया है सीबीआई की टीम को। जयपुर एटीएस की टीम उसे जोधपुर लेकर पहुंची, जिसके बाद सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले में पड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। बहरहाल पहले इंदिरा का मेडिकल हो रहा है, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एक के बाद एक कई परतें इस पूरे मामले से जुड़ी खुलती रही है, लेकिन तकरीबन 5.5 साल का लंबा गैप और उसके बाद इंदिरा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, एटीएस की टीम के लिए और सीबीआई के लिए भी। एक ऐसा मामला जिसने सियासी हलके में तहलका मचा दिया था, एक ऐसा मामला जिसने पूरे राजनीति जगत को हिला कर रख दिया था, एक ऐसा हत्याकांड, एक ऐसा अपहरण का मामला जिसकी परतें कई महीने बाद तक एक के बाद एक खुलती रही। और अब इस पूरे मामले में साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी इंदिरा की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिपाल मदेरणा की भवरी के साथ संबंध थे, सीडी के जरिए भवरी ब्लैकमेल कर रही थी और इसके बाद भवरी का अपहरण होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है इंदिरा बिश्नोई। राजीव गौर सी मीडिया संवाददाता जोधपुर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, इस वक्त इंदिरा को कहां लेकर जाया गया है? देखिए पुलिस देखिए कहीं तो जिस तरीके से पूरा ये मामला चला, इंदिरा बिश्नोई भी सीबीआई के कार्यालय में है, एटीएस की टीम ने सब कुछ कर दिया और थोड़ी देर मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराए जाने के साथ ही इंदिरा बिश्नोई से रिमांड कोर्ट में पेश करके रिमांड मांगा जाएगा और उसके बाद कुछ तथ्य खुलने की संभावना है। जी बिल्कुल, लगभग कितनी देर में ये मेडिकल का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा राजीव? देखिए लगता है कि आधा से एक घंटा यहाँ से मेडिकल का प्रोसीजर और उसके बाद में करीब एक घंटे के अंदर पेश किया जा सकेगा। तमाम जो प्रस्तावित है वो साथ सीबी की टीम दिल्ली से लेकर के पहुंची और कुछ ही देर के अंदर एटीएस की टीम से पूरी तरह से रवाना हो जाएगी, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू होगा। जी बिल्कुल राजीव, पूरे मामले में इस वक्त चल क्या रहा है? इंदिरा को सीबीआई के हवाले कर दिया गया है, उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है यहाँ पर? देखिए कहीं ना कहीं अभी एक प्रोसेस चल रहा है और पूरी तरह की कार्रवाई थोड़ी देर के बाद ही पूरी तरह से खुल करके मामला सामने आ सकेगा। बिल्कुल राजीव, इस पूरे मामले को अगर समझे तो 5.5 साल का समय लग गया इंदिरा तक पहुंचने में। हालांकि एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो मामला चल रहा है मलखान सिंह और मदेरना के खिलाफ वो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में इंदिरा की गिरफ्तारी कितना प्रभाव इस पूरे मामले पर पड़ेगा और कितना असर पड़ेगा, कितनी जल्दी अब फैसला आने की और उम्मीद बढ़ गई है? राजीव आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है संपर्क यहाँ पर टूट गया है। बहरहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जयपुर एटीएस की टीम इंदिरा को जोधपुर लेकर पहुंची और वहां सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। सीबीआई के पास ही इस वक्त इंदिरा बिश्नोई है और अब से कुछ ही देर में मेडिकल होगा इंदिरा बिश्नोई का, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। भवरी अपहरण हत्याकांड की साजिशकर्ता और मुख्य आरोपी है इंदिरा बिश्नोई। भवरी हत्याकांड के आरोपी मलखान सिंह की बहन है इंदिरा, तकरीबन 5.5 साल से गायब थी और भवरी हत्याकांड के बाद जब एक दो बार इंदिरा से पूछताछ हुई, ये कयास थे कि इंदिरा को भी पकड़ा जा सकता है, उसके पहले ही इंदिरा गायब हो गई। 2012 में सीबीआई कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया था, 5 लाख का इनाम भी उस पर घोषित था, लेकिन 5.5 साल से इंदिरा पुलिस के लिए पहेली बनी हुई थी। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी और अब इंतजार कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती।